साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्सेल लर्निंग क्लासेज का। आज है वीडियो नंबर 12, यानी 12 नंबर वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक हमने एक्सेल का जो होम टैब है, इसके सारे ऑप्शंस के ऊपर हमने वीडियो बनाए हैं और इन पर कैसे वर्क किया जाता है, इन सारे ऑप्शंस को किस प्रकार से यूज करें, उपयोग करें, ताकि हम एक्सेल पर बड़ी आसानी के साथ वर्क कर सके। इसके लिए हमने अब तक कुल 10 वीडियो बनाए हैं और इन सारे ऑप्शंस को उन वीडियो के अंतर्गत समेटा है। वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम आगे बढ़ते हैं, एक्सेल का जो सेकंड टैब है इंसर्ट, इसको देख लेते हैं। इंसर्ट टैब के अंतर्गत भी कुल 5 ऑप्शन है। आज हम इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल, इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है पाइवट टेबल और दूसरा है टेबल। हम जब भी एक्सेल के अंदर कोई भी संख्या की स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं तो उसके अंतर्गत टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है। एक्सेल खुद अपने आप में एक आंकड़ों का खेल ही है और उनके आंकड़े डिजिट डेटा तैयार करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ती है। इसको हम किस प्रकार से मैनेज करें, उसके अंदर किस प्रकार से डेटा तैयार करें और उसके बाद उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करें, ये सारी चीजें आज हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, जो हमारे पास ज्ञान है वो हमेशा आगे से आगे बांटते रहना चाहिए, यही एजुकेशन है, यही शिक्षा का महत्व है। हमने ये चीज आप तक पहुंचाई है, आप इसको और आगे तक पहुंचे वो पुण्य आपको भी मिल जाएगा। दोस्तों, पुण्य का कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जैसे आप अगर इसको किसी ऐसे साथी के साथ शेयर करते हैं जो एक्सेल के अंदर रुचि तो रखते हैं लेकिन अभी वो इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं, और अगर आप उसके पास ये वीडियो पहुंचाते हैं तो आप भी एक पुण्य का काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल्स। इसके अंतर्गत जो 2 ऑप्शन है, एक है पाइवट टेबल्स और दूसरा है टेबल। हम पहले लेंगे टेबल ताकि हम उस पर निर्माण कर सके, और पाइवट टेबल के द्वारा आप किसी भी संख्या की स्टैटिस्टिक्स को तैयार कर सकते हैं, ये हम बाद में लेंगे। पहले हम टेबल तो तैयार कर लें, टेबल तैयार करेंगे तो ही रिपोर्ट तैयार होगी। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑप्शन। इसके अंतर्गत हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार से टेबल क्रिएट करनी है। मान लीजिए हमें कोई ऐसे डेटा तैयार करना है, उसके लिए टेबल की जरूरत पड़ रही है, तो इसके लिए हम इस प्रकार उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स आएगा इंफॉर्मेशन लिया हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहेगा कि वेयर इज द डेटा फॉर यू टेबल। आपकी जो टेबल है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, वो रेंज यहाँ तक हमने सेलेक्ट की है। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप जो ये एक्सेल का एक साइन बना हुआ इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार आपके सामने एक बार आ जाएगी, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आप जैसे जितना आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे उतनी ये टेबल आगे बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ से कर देते हैं ओके, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा माई टेबल हैज हेडर। क्या आप टेबल के ऊपर हेडर चाहते हैं? अगर आप हेडर चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार की एक टेबल आपके सामने आ चुकी है, आप अब इसके अंतर्गत डेटा तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये जो कॉलम आया है इसके अंदर आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे SR नंबर देना है तो यहाँ SR कर दिया। आगे आपको इस टेबल के अंदर जो भी डेटा तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे कोई नेम है तो यहाँ पर हमने नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कोई और ऑप्शन आप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ टाइप कर दिया, जैसे क्लास टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर उसके अंक है तो अंक फिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज लिख सकते हैं।
आप चाहते हो कि ये आगे वाले ऑप्शन एक्स्ट्रा है, ये मेरे कोई काम के नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो टेबल टू लिखा है इसके नीचे आएगा रेंज टेबल, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ से वापस इसकी रेंज खुल जाएगी और आप इसको कम कर सकते हो, आप इसको जी तक ही रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर दीजिए जी, हमने यहाँ पर जी कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया, तो यहाँ से ये पीछे वाले जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी वो हट चुकी है, आपके पास अब इतनी सी टेबल रहेगी, ये टेबल वन और इसके नीचे रीसाइज टेबल लिखा है, तो इस रीसाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप कोई भी इसकी साइज को बढ़ा सकते हो, इसकी साइज को घटा भी सकते हैं। आपने इस टेबल के अंदर एंट्री की है, जैसे मान लीजिए हमने अभी एक और दो लिखा है, आगे आप लिखना चाहते हो तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप आगे से आगे सीरियल बना सकते हो, आप ऊपर और नीचे इन दोनों को सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का प्लस का साइन आएगा, आप नीचे ड्रैग कर लीजिए, नीचे जाओगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी। अब आप चाहते हो कि मुझे तो और आगे टेबल चाहिए, तो आपको वापस उस रेंज में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप टैब बटन से आगे बढ़ेंगे इसकी साइज बढ़ती रहेगी, ये टेबल अपने आप बढ़ेगी, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है टेबल फॉर्मेट। अब इसके अंतर्गत मोटे तौर से आपको क्या क्या समझना है, आपने ये टेबल तो खूब बनाई होगी लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में आज आपको एक अति महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आप देखेंगे कि जैसे इस पे क्लिक किया, आप इंसर्ट पे गए और यहाँ पर टेबल ऑप्शन देखेंगे तो वो अभी ऑन नहीं है, आप अगर इसकी रेंज के बाहर जाके देखोगे तो ये ऑन मिलेगा, आप एक और नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से टेबल बनी हुई है उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये अब ऑन नहीं है, तो अब ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा अगर मुझे इसके अंतर्गत कुछ एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा टेबल टूल्स, यहाँ लिखा मिलेगा डिजाइन, ये टेबल टूल्स है, इनके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे प्रॉपर्टीज टूल्स और एक्सटर्नल टेबल डेटा, टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल मिलेंगे, आप इस टेबल के अंदर आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर आप चाहोगे कि इसकी रीसाइज करना है, इसको छोटा या बड़ा करना है, तो ये आप काम यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, ये जो ऑप्शन है समराइज विथ पिवट टेबल, ये तो हम आगे लेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत कुछ समझाना है। अगला जो ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, अगर यहाँ पर कोई आपने डुप्लीकेट चीज बना रखी है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, इस ऑप्शन का ये मतलब है कि अभी इस टेबल की ये रेंज है, अभी आप यहाँ जाओगे अंदर और टैब बटन से आगे चलोगे तो ये इसी टेबल के अंदर आपको ले जाएगा, आप बाहर नहीं जा पाओगे, इस रेंज के अंदर आपको कवर कर रखा है इसने, और नीचे आप आगे बढ़ोगे तो इसकी रेंज को भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो आपको निशान साइन देख रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा, आप जैसे टैब बटन से आगे बढ़ते हो तो एक रो और आगे बढ़ गई है, इस प्रकार इस टेबल को आगे से आगे ले जाएगा। आपका जैसे कर्सर यहाँ मूव कर रहा है, आपने टैब बटन से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो आपको ये नीचे रो के अंदर ले जाएगा, ये आपकी रेंज बन चुकी है, इस रेंज को हटाना है और एक नॉर्मल रेंज के अंदर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज के अंदर लिखा ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करना है क्लिक, क्लिक करोगे तो ये कहेगा डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट टेबल टू नॉर्मल रेंज, आप इसको नॉर्मल रेंज के अंदर करना चाहते हो, तो जैसे यस करोगे अब आप चाहोगे तो टैब बटन से आगे बढ़ पाओगे, और अब इस टेबल को आप बड़ा भी नहीं कर सकते, टैब बटन से मैं अगर आगे जाऊं तो ये आगे ही बढ़ेगा, इसको रेंज को आगे ये नहीं बढ़ाएगा। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था अभी टेबल डिजाइन का वो भी हट चुका है, इसकी रेंज हटी तो वो हट गया, यहाँ पर टेबल ऑप्शन का ये ऑप्शन ऑन हो चुका है। यहाँ पर आने के लिए एक शॉर्ट की भी है, आप जैसे ही कंट्रोल प्लस टी करोगे तो ये ऑप्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। मैंने इसको वापस रेंज पे किया है, अब आगे आपको और दिखाता हूँ। अगला ऑप्शन है एक्सटर्नल टेबल डेटा, अगर आपके कहीं डेटा है तो उसको यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को लिंक कर सकते हैं, यह है एक्सटर्नल डेटा, ये अभी आपके काम नहीं आएगा, जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर
इस टेबल को यूज किया जाता है तो उस समय डेटा को एक्सटर्नल डेटा को अंदर लिया जाता है, तो ये ऑप्शन उस समय यूज होते हैं। आगे देखते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब इसके अंदर जो हेडर है वो नहीं रखना है, तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां से हेडर हट जाएगा, आप वापस ओके करोगे तो ये हेडर आ जाएगा। टेबल रो, टेबल रो पे जैसे क्लिक करोगे तो नीचे ये टोटल वाला ऑप्शन आ रहा है। अब ये जो टोटल रो है ये ऑप्शन काम कहाँ आता है, आप इसके अंदर जहां वर्क करोगे कितनी रो के अंदर आपने काम किया है उसकी टोटल ये बताएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ काम किया है, यहाँ पर टोटल बताएगा कि एक रो के अंदर आपने काम किया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वर्क किया है तो ये बताएगा कि अभी आपने दो रो के अंदर काम किया है। आप कहीं पर भी वर्क करोगे ये अपना आप बता देगा कि इस टेबल रेंज के अंदर आपने कितनी रो के अंदर वर्क किया है, तो यहाँ ये संख्या आती रहेगी। और अगर आप ये देखना नहीं चाहते हैं तो जैसे इस पे ये जो चेक है इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला ऑप्शन, ये लिखा है बेनेट रोज। इसका मतलब होता है कि एक रो छोड़ के इसके अलग डिजाइन आ रही है। आप चाहते हो कि इस प्रकार से एक रो छोड़ के एक रो इस प्रकार से एक अलग अलग डिजाइन आ रही है, ये नहीं आए एक जैसे दिखे, तो यहाँ से अनचेक कर दो, ये एक जैसा वो एक ही कलर में हो जाएगा। आप चाहते हो कि अगर हम ऐसी कोई एंट्री करें जिसके अंतर्गत हमें मालूम रहे कि हमने कौन सी एंट्री कहाँ की है, ये तो एक डिजाइन है। आप तैयार करते हैं आंकड़ा तो उस समय आप कुछ ऐसी एंट्रियां करते हैं के लिए है। अब देखते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये हाईलाइट हो गया, यहां पर ये एंट्रीज हैं वो बोल्ड हो चुकी है। अब लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो लास्ट कॉलम के अंदर भी अब आप एंट्री करोगे तो यहां पर ये बोल्ड नजर आएगी, हमें पता रहेगा कि हमारी टेबल का ये तो है फर्स्ट कॉलम, ये है लास्ट कॉलम, अलग ही बोल्ड फॉन्ट के अंदर नजर आएगा। अब इसका अगला जो ऑप्शन है वो है बेनेट कॉलम्स। जैसे रो किए आपने एक छोड़ के एक, इसी प्रकार कॉलम भी तो कर सकते हैं एक कॉलम छोड़ के इस प्रकार की डिजाइन। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये इस प्रकार की डिजाइन यहाँ पर भी आ चुकी है। ये रो है वो तो सारी कलर में हो गई और जो कॉलम है वो कॉलम एक छोड़ के एक कॉलम के अंदर इस प्रकार की डिजाइन बन चुकी है। मैं इसको एक अलग कलर में करके दिखाता हूँ, देखो अब आपको अच्छी ढंग से नजर आई होगी। जैसे इस पे क्लिक हटाते हैं तो इस प्रकार ये रो के अंदर इस प्रकार डिजाइन बनती है, और अगर हम कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की डिजाइन कॉलम के ऊपर बनती है। अब हम आगे देखते हैं ये जो है टेबल स्टाइल, आप कैसी भी डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि किस प्रकार की आप टेबल चाहते हैं। इस प्रकार साथियों हमने ये टेबल क्रिएट करना सीखा है आज इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आप चाहते हो कि मेरे को तो सिंपल टेबल ऐसे ही बनानी, तो वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया। जैसे यहाँ होम टैब के अंतर्गत जो सेकंड फॉन्ट जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये ऐसे ही टेबल आपके सामने ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। ये एक साधारण सी टेबल है लेकिन इस टेबल के अंदर एक अलग ही बात है, अलग ही रुतबा है। इसके अंतर्गत आप बहुत सारी डिजाइन कर सकते हैं और बहुत सारे इसके अंदर आप पैरामीटर लगा सकते हैं। और जब आप पायोट टेबल का निर्माण करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। टेबल बनाने के लिए बड़े ही आसान तरीका, आप टेबल ऑप्शन पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इस प्रकार से एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि आप कहां पर टेबल बनाना चाहते हैं, वो रेंज सेलेक्ट करना है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बार है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, यार यहाँ पर जैसे ही आप पूरा सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा कि कहाँ से कहाँ तक आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। वापस इस पे क्लिक कर दीजिए, ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप हेडर चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, अगर हेडर नहीं चाहते हैं तो इसको अनचेक ही रखना है और फिर ओके कर देना है। ये टेबल आपके सामने क्रिएट हो चुकी है। इस टेबल की डिजाइन कैसी रखनी है, कैसी बनानी है, ये तो आप पे निर्भर करता है। आप जैसी इसकी डिजाइन बनाना चाहोगे वैसी डिजाइन बन जाएगी, इतने सारे ऑप्शंस है।
आप चाहते हो कि ये हेडर नहीं आए, तो अभी आपको बताया ऑप्शन के अंदर ये हेडर है, इस पे क्लिक कर दो, यहाँ से ये हेडर हट जाएगा। आप अपने हिसाब से इसकी हेडिंग लगा दो, हेडर बना दो। और आप चाहते हो कि ये जो बैंड रो पे आ रहा है, एक रो छोड़ के एक अलग डिजाइन की रो बन रही है, मुझे तो ये कॉलम पर चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कॉलम के ऊपर इस प्रकार से डिजाइन बन जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक रखोगे तो यहाँ दिखाएगा टेबल टू, इसकी सेटिंग। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा टेबल वन। आप कौन सी टेबल पर क्या सेटिंग करने जा रहे हो यहाँ ऑप्शन नजर आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल की सेटिंग्स डिजाइन बना सकते हैं। आप अपने टेबल को किस प्रकार से स्टाइलिश बनाएं ये आप पे निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना परफेक्ट होते जाएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे इसका अगला ऑप्शन, और अगला ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल, क्योंकि वो थोड़ा ऑप्शन बड़ा है, इसलिए उस पर अलग से वीडियो बनेगा। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।